गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जैसे बालक पढ़ रहा होता है तो वो सोचता है कि मैं शिक्षा ग्रहण करके और बढ़िया नौकरी प्राप्त करूंगा, सर्विस प्राप्त करूंगा, फिर मैं सुखी होऊंगा। जब उसको सर्विस प्राप्त हो जाती है, विवाह हो जाता है, फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी परवरिश में लगा रहता है, फिर वो सोचता है कोठी बना लूं, बस फिर आनंद हो जाएंगे। कोठी भी बना ली है, फिर संतान हो जाती है, फिर कहता है कार ले लूं, बस मौज हो जाएगी। ये सारा कुछ सोचा, उसमें भी कोई मौज नहीं पाई, फिर सोचता है कि बुढ़ापे में सुख होगा, अब तो बच्चों की परवरिश में मैं अपना टाइम नहीं निकाल पा रहा। अब बुढ़ापे में यानी वृद्धावस्था में तो जिए जाने का दिशा सुख होगा, कदे आंख बनवानी, कदे गोड्डे दुख है, कहीं बीपी हाई हो जा, कभी लो होगा, कदे खांसी कफ पकड़ दे गले ना आ करके, और 36 प्रकार की टेंशन बढ़ जाती है। तो पुण्यात्माओं, जिस वस्तु से सुख होना है वो परमात्मा की भक्ति है, साधना है। उस सत भक्ति से यहां भी सुख होगा, और जब संसार छोड़कर चलेंगे, हम एक वायुयान में बैठ कर जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ के जा, एक बंधे जात जंजीर। जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता, यदि साधना भक्ति कर रहा है, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करता है, और जो भक्ति नहीं कर रहा, ये व्यक्ति फिर बहुत दुर्गति को प्राप्त होकर मरते हैं, और मृत्यु के उपरांत इनकी बहुत बुरा हाल होता है। यम के दूत इनको पकड़ कर ले जाते हैं, बांध कर रस्सियों से, जंजीरों से, और धर्मराज के पास जाके खड़ा कर देते हैं। और जो परमेश्वर कबीर जी की सत भक्ति करते हैं, उनको परमात्मा जहाज में बैठा कर और सतलोक ले जाता है। अपने आत्माओं, ये हमने पहचान लिया इतने प्रमाण देख करके कि परमात्मा कौन है, कैसा है, ये हमारे सदग्रंथों ने भी प्रमाण कर दिया, और साथ में उन महापुरुषों ने भी प्रमाणित कर दिया जिनको भगवान प्राप्त हुए। अब जैसे अभी तक परमात्मा के विषय में निराकार ही एक लोकवेद बना हुआ था कि परमात्मा निराकार है, तो ये केवल दंत कथा थी, यथार्थता नहीं थी। आज पुण्यात्मा परमात्मा की कितनी रजा आपके ऊपर है। इस कलयुग के अंदर ये वो समय है, ये कलयुग का वो स्वर्ण युग है, भक्ति युग है, इसमें मोक्ष प्राप्ति होगी, सतलोक मिलेगा। और आपका जन्म मनुष्य का, और मनुष्य जन्म पाकर के फिर आपको ये स्थान मिल गया जहां से मोक्ष होगा, तो धन है आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ, आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। लाल की कीमत को लाल नहीं जानता, जौहरी को ज्ञान होता है। ये दास जौहरी है, आप उस परमात्मा के लाल हो, जिनके विषय में परमात्मा ने कहा गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पैताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल।
अब परमात्मा ने आपको शिक्षा दी पूरे विश्व को, और अब उसका तरीका, पहले तो स्वयं आते थे, प्रगट होते थे जगह, एक एक दिन में हजार हजार जगह प्रगट हो करके और अपने बच्चों को तत्व ज्ञान सुनाया करते थे, उनको चार्ज कर जाते थे, उस भक्ति को करवाते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम फिर भूल भाल जाते थे, संसारिक लोगों की बातों में आ जाते थे और परमात्मा को एक सिंपल संत मानकर हम उससे विमुख हो जाते थे। लेकिन वो दयालु चाहते थे कि इस भक्ति युग तक इनके अंदर भगवान की आस्था बनी रहे और इनके मनुष्य जीवन होते रहें, इनके अंदर परमात्मा की चाह बनी रहेगी। जैसा कि आज सत्संग में आपने सुना, सुबह के सत्संग में, कि दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज मिलता है, 84 लाख योनियों के भोगने के उपरांत एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है। यदि उस मानव शरीर में उसको परम संत नहीं मिलते, भक्ति प्रारंभ नहीं होती, तो फिर 84 योनियों का चक्कर उसका फिर शुरू हो जाता है। और दूसरा वो उनको मिलता है जो पहले जन्म में मनुष्य थे, उससे पहले में भी हो सकता वो मनुष्य हो। तो जो ऐसे मनुष्य जीवन से तुरंत मानव शरीर प्राप्त हैं, वो भक्ति में तुरंत लग जाते हैं। उनको चाहे कोई नकली गुरु मिलो, चाहे असली या कोई परंपरागत साधना हो, वो रह नहीं सकते भक्ति में। तो वो परमात्मा ने पहले हमारे साथ ऐसी लीला कर रखी है, जैसे आज से 600 वर्ष पहले मालिक जब आए थे, सन 1398 से 1518 तक, सन 120 वर्ष रहे थे और हमें तत्व ज्ञान सुना सुना कर, मंत्र दे करके और हमें चार्ज कर गए। लेकिन हमने उनको भगवान नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि हम अशिक्षित थे और हमारे धर्मगुरु ये चतुर थे, ये अज्ञानी थे, इनको तत्व ज्ञान नहीं था, इनको सदग्रंथों का भी ज्ञान नहीं था, लेकिन ये संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे और संस्कृत भाषा के कारण इन्होंने परमात्मा को फेल कर दिया कि सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हैं और कबीर तो एक जुलाह है, धानक है, ये शूद्र जाति का है, ये सदग्रंथों को कैसे समझ सकता है, इसने कोई ब्राह्मण इसको पढ़ा नहीं सकता, और ब्राह्मण ही उस समय शिक्षा के अधिकारी थे अपने आत्मा। लेकिन उस लीला, उस मालिक की लीला ने ये काल क्या जान सकता है। यदि उस समय परमात्मा ब्राह्मण वर्ण में होते और शिक्षा ग्रहण कर लेते और वो ये बातें बताते, तो फिर भी किसी ने नहीं मानना था। लेकिन आज ये ना विश्वास होता कि कबीर इज गॉड, तो ये कहने वाले मिल जाते कि ये ब्राह्मण था, इसने संस्कृत पढ़ ली और समझ में आ गई थी, इसने जान लिया होगा उसने, ये एक न्यारी कृपा करके गए दाता, कि आज हम उनके सामर्थ्य से ये जान जाएंगे कि कबीर परमात्मा है। क्योंकि उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था, लेकिन सब ग्रंथों का ज्ञान था और अपने सिंपल लैंग्वेज में उसको बोलकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवा गए थे, जो आज हमारे सामने प्रमाणित है। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले आज के सत्संग में आपको थोड़ा सा ये सिद्ध करते हैं कि परमात्मा साकार है या निराकार। उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि मोक्ष होगा कैसे। हमें परमात्मा का भी पता लग गया कि कबीर इज गॉड, और ये भी पता लग गया सदग्रंथों में कि परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है। लेकिन वो मिले कैसे, उसकी प्राप्ति कैसे हो, उस लोक में कैसे जाया जा सके जहां जाने के बाद साधक फिर जन्म मृत्यु में कभी नहीं आता, वह परम शांति को प्राप्त होता है। आज का सत्संग ये दो टॉपिक आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे, प्रमाण देंगे। परमात्मा देखो, परमात्मा की रजा आपके ऊपर कैसी है। थोड़ी सी गर्मी होती है, परमात्मा बच्चा अपनी प्यारी आत्माओं के अमृत बरसा देते हैं, ठंड सी कर देते हैं, कि ताकि ये बच्चे परमात्मा की मेरी महिमा को सुन लें। यदि आछी ठंड कर दी तो तुम सारे लटके लेने लग जाओगे, ना पूरे बैठे बैठे सोओगे। तो जितनी आवश्यकता है उतना ही अपने बच्चों को डोज देंगे। और पुण्यात्माओं, जिसमें पूरा विश्व इस सत भक्ति को स्वीकार करके और अपने अपने घरों में ये पांचों यज्ञ किया करेगा,
फिर देखना। सतयुग में ऐसा होता था, इतने पुण्य कर्मी प्राणी होते थे, यदि कोई 10 व्यक्ति बैठकर और चर्चा कर देते थे कि भगवान वर्षा नहीं हुई, आपके बच्चे दुखी हो गए, उसी समय परमात्मा वर्षा कर देते थे। यानी कोई अभाव सतयुग में नहीं होता था। पिता से पहले पुत्र नहीं मरता था, स्त्री विधवा नहीं होती थी। अपने आत्माओं जब हमारे कर्म सुधर जाएंगे और जो हम कर्म कर रहे हैं सत भक्ति ये पूरा विश्व करेगा, तो सब वही सतयुग जैसा ही एक बार फिर से वातावरण होगा। ये तो भगवान ने बोल ही रखा है, तो होगा ही होगा, इसलिए इसको रोक नहीं सकता। तो ये तरीका अब स्टार्ट हो गया, इसकी प्रारंभ हो गया है, अब सतयुग आने का। इस ज्ञान से बात बनेगी, हाहाकार मची हुई है, भाई बहन का प्यार रहा ना, माया माया दिखे है, सारा दिन दौड़ दौड़ में जीवन जाता है, दो लड़कियां विवाह योग्य होगी, माता पिता की नींद हराम हो जाती है, हैं, और उधर से रिश्तेदारों तक परेशानियां पैदा हो जाती है। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा, ये पुरानी परंपराओं को सेट किया जाएगा, ये हमारी भक्ति बाधक है। और ये तो एक जिनको ज्ञान नहीं वो करते हैं, ये डीजे पीजे बता, परमात्मा कहते हैं कि झूठे सुख को सुख है, यू मान रहा मन मोद, यू सकल से बिना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। अब जैसे एक लड़के का विवाह था, सारा परिवार डीजे का गनाचर बेगनता रखा, हैं, अगले दिन वो बरात जा रही थी, जिस गाड़ी में दुल्ला था, 7-8 उसके साथी थे, एक टैंकर के टकरा के मृत्यु को प्राप्त हो गए, 7-8 आदमी थे उस कार में, सारे मर गए अगले दिन। फिर समाचार पत्रों में उनके चित्र थे, उनकी बहनों के और माता पिता के रोते हुए उनके बाल पाड़ रहे थे, टक्कर मार रहे थे। अब बजाले डीजे, ये नानक साहिब जी को कहा करते लोग कि आप कभी खुशी नजर नहीं आते, मायूस से रहते हो। तो वो कहा करते, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिन आते सरते मौत खुड़कती, उनानु केड़ा हंसावे, या ना जाने कब के बिजली गिर जा, हरियन डांस से नाचे, ये शराब नशे में कर सकता है ये आदमी ऐसे काम, होश वास में ये गलती नहीं कर सकता, विशेषकर भगत तो कर ही नहीं सकता। और भगत होकर ऐसा करता फिर उसका भक्ति का कोई रंग चढ़ा नहीं, वो तो संसार के ही रंग में रंगा हुआ है। तो नानक साहिब जी से फिर पूछा करते थे, हे भगवान, क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते, आप कभी खुशी नहीं मनाते? आदरणीय नानक साहिब जी कहा करते कि साध मिले साढ़ा साधी होंगी, विछड़ जा दिल गिरी वे, अखदे नानक सुनो जाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। कि जब सत्संग होता है, सत्संग क्या करते थे नानक साहिब जी, कहते थे जब सत्संग होता है और मेरे बच्चे वापस आते हैं तो मुझे खुशी होती है, और जब ये यहाँ से जाते हैं सत्संग होने के बाद अपने अपने घरों को, तो मुझे चिंता लग जाती है कि कहीं काल के दूत मेरे इस बाग को खराब ना कर दें, किसी पौधे को कीड़ा ना लग जाए, यानी कोई काल का दूत भ्रमित ना कर दे। क्योंकि नानक साहिब जी के विरोधी बहुत थे, पूरा हिंदू समाज विरोधी था, सब ब्राह्मण विरोधी हो गए कि तो ब्रह्मा विष्णु महेश को कुछ नहीं समझता, इनसे ऊपर भगवान बताता है। तो कहते थे कि जब ये मेरे बच्चे वापस आ जाते हैं साधु संगत, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि ये बचे हुए हैं काल के दूतों से। तो कहते थे साध मिले साड़ी साधी होंगी, ये भगत आते हैं सत्संग होता है वो हमारी शादी है विवाह है वो खुशी है, साध मिले साढ़े साधी होंगी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना, या मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति, मुश्किल हाल फकीरी वे, कि ये भक्ति इतनी कठिन बना दी इन लोगों ने, क्योंकि हमारी मर्यादा जो है वो समाज से मेल नहीं खाती, और समाज से मेल ना खाने से अन्य समाज के लोग हमारे भक्तों के साथ एक विशेष वाद विवाद करते हैं, और कुछ कमजोर व्यक्ति के भक्त समाज लोक लाज में आके
और मर्यादा तोड़ देते हैं। मर्यादा टूट जाने के बाद फिर परमात्मा साथ नहीं देता। तो पुण्यात्माओं, हमने इन सब व्यवस्थाओं को सेट करना है। बुद्धिमान समाज है, कोई किसी के ऊपर जो दास नियम बताता है, ये कोई थोपे नहीं जाते। इसको पूर्ण ज्ञान के साथ आपको बताया जाता है कि ये करने से हमें भक्ति में यह हानि होगी और ऐसा न करने से हमें ये लाभ होगा। तो फिर बुद्धिमान समाज इसको स्वीकार कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, कहते हैं जी मेरे पापा ने मेरे से बीड़ी मंगा ली, बंडल मंगा लिया, बहुत रोते हैं, मेरा नाम टूट गया। पापा तो बीड़ी पी हुए और पुत्र माँ के साथ आकर ऐसी अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है, तो उस पापा को भी समझना पड़ेगा एक दिन, और वो छोड़नी पड़ेंगी सारी बुराई। एक कह रहा था व्यक्ति ने, बोला मेरे को तो इस मेरे पुत्र ने लाइन पर लाया, जब मैं बीड़ी पीऊँ ये उठ कर चला जा और मुझे इसमें प्रेम गणा, और बीड़ी नोके पापा ये अच्छी चीज नहीं, इसको छोड़ दे। तो आखिर में मनवा छोड़नी पड़ी। एक भक्त कह रहा था जी मैंने अपने लड़के से बीड़ी मंगा ली बंडल दुकान से, लेकिन वो डर के मारे चला तो गया। दुकानदार से बोला अकेले एक थैली ले गया साथ में या पॉलीथीन की, नो बोला इसमें डाल दे मैं ना हाथ लाऊं इसके, और नो लटका के ले आया। नो बोला ले पापा पकड़ तेरी बंडल। वो कहने लगा क्यों ऐसे क्यों लाया तू, अगर मेरा नाम टूट जा, 5-6 वर्ष का लड़का था, मेरा नाम खंडित हो जाएगा, जा हाथ लग गया इसके। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति था, वो भी कहने लगा उस दिन मेरे एकदम जैसे घड़ों पानी पड़ जाया करे, अकरे यू बालक तो इतनी समझ रखता कि इतनी बुरी चीज हाथ लाने में पाप इसके और मैं पी रहा हूँ। नोला मैंने उससे दिन तोड़ दी वह सारी बीड़ी, उसके बाद छुआ नहीं और नाम ले लिया आके। तो पुण्यात्मा ऐसे सुधार हो गए। पुण्यात्मा ये शराब कोई पीने की चीज है। एक बार दास दिल्ली के अंदर सत्संग करने गया था, पाठ करने के लिए, तो उनका एक चाचा था, वो उनके घर से थोड़ा बाहर साइड में रहता था। उसकी चाची आई, बड़ा रोने लगी बुरी तरह। तो मैंने कारण पूछा, माँ भैया क्यों रो रही है बहन बेटी? उसने बताया जी मेरा चाचा पालम एयरपोर्ट पे अच्छे सर्विस करता है और सारी की शराब पी जाता है, इनके घर पर कई बार तो आटा भी नहीं होता, यहाँ से ले जाती है। आज से लगभग 10-12 वर्ष पहले की बात है, वो कह रहा था ये लगभग 20,000 रुपये लेता है और कर्जा कर रखे इसने शराब पी पी के। अपने आत्माओं, वह छोटी छोटी बच्ची थी उसकी, 3-4 लड़कियां थी, लड़का नहीं था। तो वो लड़कियां भी बताती हैं कि महाराज जी मेरा पापा आया करे ना जब घर पे, हम तो आते मेरी माँ को पीटे, हम माँ को छुटाते हैं तो हमें भी पीटता है। वो बड़े वाली थी 12-13-14 वर्ष की, वो कहती थी मैं तो अपनी माँ के ऊपर गिर जाती हूँ जब मेरी माँ को पीटता है, और मेरी छोटी बहन है चारपाई के नीचे घुस जाती है डर की मारी। बताओ अरे जिस पापा ने उन बच्चों को सीने से लगाना चाहिए था और वो इस शराब पी का आवे और वो उस तक छुपते फिरे। अब शाम फिर हम अगले दिन सुबह सुबह जा रहे थे घूमने के लिए, 3 दिन का पाठ करते थे, मेरे साथ 2-3 भक्त थे। तो वह बहन रस्ते में खड़ी पाई और कहने लगी जी, और गेल उसकी सास आई, कहने लगी जी आ जाओ थोड़ी देर बैठ कर जाओ, चाय पानी बनावाएंगे। और हम बैठ के हम चल इसका पति आया हुआ है उसने कुछ समझा दो। हम वहाँ जाकर बैठ गए, हम उसके आंगन से मैं बैठ गए। गर्मियों का दिन था, सुबह सुबह छाया थी, सूर्य उदय हुआ ही था, और वो जा रहा था घूमन फिरन शहर से पट्टे को, उसके इंतजार में हम बैठ गए। उधर से उस बहन ने चाय बनाने के लिए एक डेगची चढ़ा दी चूल्हे पे, पानी डाल लिया और उसने उसके नीचे अग्नि जला दी। घर पर ना चीनी ना चा ना दूध। अब वो उस चूल्हे द्वारा बैठी लकड़ी जला, कम से कम आध घंटा हो गया।
तो हमने तो सोचा, मैं कहा भाई क्या ना वो आया हनुमा बेटी, हम इतने हम भी घूम आते हैं, वो फिर मिल लेंगे उस तरह के। और हमने सोचे थे माँ चलिए चाय चढ़ा रही है, चाय पी के चल लेंगे, हम नो ज़्यादा देर लगाई थी। तो हम कहने लगे उठ के हम चला उसकी सास को, मैं हम माई हम घूम आते हैं। तो उसकी माई बोली बेटी चाह लिया महाराज जी जावे हैं। वो रोन लग गई बैठ के, शर्मा जी ने पतीला भी चढ़ा दिया, डेगची चढ़ा दी, नौकरण ने भाई कोशिश की। तो नो बोली जी ना चीनी ना दूध ना चाय की पत्ती। तो हम उठ कर चले, माँ बेटी तेरी हमने पिए ली, नो सोच ले जब तेरी भावना ऐसी है। तो फिर उसको समझाया काफी मारा निकम्मे, एक बात बता तेने सामने बच्चों के लिए ले करना चाहिए कुछ फल फ्रूट, इतनी बढ़िया नौकरी तू करता है, है? अब तेरे तेरे बच्चे तुझे देख कर ऐसे छुप जाते हैं। तो वो बिना पिए था तो उसने सारी बात मान ली, आ गई समझ में सच सच। तो उसने दो दिन छुट्टी ले ली, सत्संग सुनया, पुण्यात्माओं उसने उपदेश ले लिया। फिर तनख्वाह ठीक थी, तीसरे महीने मोटरसाइकिल कढ़ा ली, स्कूटर, बच्चा ने बढ़िया कपड़े लाया और ठीक ठाक घर की सेटिंग कर ली। तो ऐसे इस ज्ञान से धीरे धीरे सुधार होगा, क्योंकि हमारे आसपास बुराई घनी फैल गई, तो जो ना बुराई करना चाहते बच्चे वो बुराई में अग्रसर हो गए। और जब ये सच्चा ज्ञान और इस प्रकार का माहौल बढ़ेगा तो जो बुराई कर रहे हैं वो भी छोड़ देंगे, इन्हें उनको छोड़नी पड़ेगी। या कोई करने का काम है नाश करने का, इज्जत नहीं, गली में पड़ा पड़ा कुत्ते मुत्ते उसके मुंह पे, ऐसा बुरा हाल। तो इस प्रकार ये ज्ञान सुधार में होगा। तो अब हमने सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि परमात्मा कैसा है, फिर आज बताएंगे आपको वो कैसे मिलता है। अब सबसे पहले आपको, अब देखिएगा अपने आत्माओं, ने तो ईसाई धर्म के व्यक्ति श्रद्धालु उनके जो गुरु हैं वो अपने पवित्र शास्त्र से परिचित, पवित्र बाइबल पवित्र ईसाई धर्म का एक प्रमाणित सदग्रंथ है। और वो क्या बताता है और ईसाई धर्म के अंदर कौन सी लोक वेद चल रहा है कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। और पवित्र बाइबल क्या बताता है देखिए, पवित्र बाइबल संपूर्ण अध्ययन बाइबल, ये है संपूर्ण बाइबल, इसके प्रबंध संपादक हैं डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी में प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स MA, M Division, DV, संयुक्त संपादक जे वेसले आदम्स PhD, संपादक ये सारे इनके फुल लाइफ स्टडी बाइबल। अब इसकी कति स्टार्ट में बिल्कुल उत्पत्ति के अंदर ये देखिएगा, ये सृष्टि यहां से शुरू होती है, इसके यहां से चार पृष्ठ से जेनेसिस यानी सृष्टि उत्पत्ति आरंभ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, परमात्मा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, सांझ हुई भोर हुआ, इस प्रकार ये पहला दिन। तो ऐसे फिर ये दूसरा दिन हुआ और कुछ रचना की, फिर तीसरा दिन हुआ ऐसे कुछ, अब चौथा दिन यहां, फिर सांझ हुई भोर हुआ चौथा दिन हुआ। अब हम यहां आ जाते हैं पांचवें दिन पर, भोर हुई, ये प्रश्न नंबर पांच पर यहां लिखा है कि सांझ हुई भोर हुआ और इस प्रकार ये पांचवा दिन। अब हम छठवां दिन पढ़ाएंगे। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को
अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। अपने आत्माओं, परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया और नर नारी करके उनकी उत्पत्ति की। तो भगवान कैसा? नर आकार हुआ सिद्ध। हरि ने पूछ ले, परमात्मा कैसा है? गॉड इज फॉर्मलेस, एक तंत्र कथा बना रखी। अब परमात्मा कहा करते, मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तुने नच सम, इनके फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखत थे विद्वान और इनके फिर रहा था मोतिया बंद अज्ञान का। अब आगे देखना, एक और कंसेप्ट क्लियर करके आया इस पवित्र बाइबल में कि परमात्मा का आदेश किसी भी व्यक्ति को मांस खाने का नहीं है। देख क्लियर होगा। अब यहां पांचवा प्रश्न पढ़ रहे हैं हम, प्रथम अध्याय का और 26वां श्लोक हमने पढ़ लिया। 26 में फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसकी सृष्टि की। अब आगे देख, परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। छोटे छोटे बीज वाले पेड़ कौन से हैं? ये बाजरा, ज्वार, मक्की, गेहूं, चने और बाकी फल फ्रूट पेड़ पौधे। कहते केवल ये खाने का आदेश है, मांस खाने का नहीं तुम्हारे को। अब आगे देखो, ये तुम्हारे भोजन के लिए और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब, अब देखो इन किसी को भी मांस खाने का नहीं है अधिकार, पशु पक्षियों को भी। तब परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया था देखा, सबको देखा, तो क्या देखा? बहुत अच्छा है। सांझ हुई, भोर हुई, फेरियो, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। इस प्रकार यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ। फिर परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए काम से सातवें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना करके सारे काम से विश्राम किया। अब ये जिसने ये सारी सृष्टि रची वो परमात्मा सतपुरुष है। उसने ये सारी सृष्टि रचकर फिर काल को हैंडओवर कर दी, इस ज्योति निरंजन। फिर इसने आगे अपने पुत्रों द्वारा इसकी सारी व्यवस्था बनवाई। इसके लिए वैसे तो लंबा चैप्टर है इसमें, लेकिन हम अधिक ना जाएंगे राई में क्योंकि समय थोड़ा है। तो हमने ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा ने एक तो मांस खाने का आदेश नहीं दिया और मनुष्य को अपने जैसा बनाया, तो परमात्मा भी मनुष्य जैसा ही है। यानी छह दिन में सृष्टि रची और सातवां दिन विश्राम दिया। पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि गॉड इज इन मैन फॉर्म, परमात्मा मनुष्य सदृश है। उसकी स्वरूप की स्थिति तो कबीर परमेश्वर ने अपनी बताई रखी है कि वहां जीव आत्मा जाती है हंस आत्मा, उसका तो इतना नूर होता है, इतना तेज होता है शरीर का, 16 सूर्य जितना प्रकाश, ओनली पूरी बॉडी का, नर मनुष्य जैसा ही है। और परमात्मा का एक रोम कूप में
एक रोम में समझो बालमय रोम को समझो, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतनी एक रोम को की शोभा है परमात्मा की, वो इतने समर्थ है। तो जीव और ब्रह्म एक नहीं हो सकता, जीव तो अलग है, जैसे आत्मा और परमात्मा ये कभी एक कैसे हो सकते। एक जैसे मनुष्य भी, मनुष्य जो है एक तो एक मजदूर व्यक्ति है, एक राजा है, दोनों ही मनुष्य हैं, लेकिन उनके समर्थता में बहुत अंतर है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा में भिन्नता है। अब इसके साथ साथ आप किसी मुसलमान धर्म से के किसी श्रद्धालु से पूछिए परमात्मा कैसा है, कहते हैं परमात्मा तो बेचून है, बेचून माने निराकार। और पवित्र कुरान शरीफ हमें क्या संकेत दे रही है, देखिए ये कुरान शरीफ है, इसके विषय में लिखा है कि यह इस फारसी की यहाँ पर है, अरबी भाषा का ये हिंदी अनुवाद, यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, यानी इसमें जो लिखा है वो हमने पूरा मान्य है, ये मुसलमान भाइयों की तरफ से है, इसमें जो लिखा है इसमें कोई अगर मगर करने की जरूरत नहीं, हमने ये फाइनल है, इसमें सच लिखा है। अब ये कहाँ से छपी है, मुतरजमा, ये इसका अर्थ है शास्त्रीय अरबी पदवी पर नागरी लिपि में, रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी, और ये शेरवानी संस्करण, ये कहाँ से छपा है। ये कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ। अब हम इसके ये मुद्रक भी यही है, मुद्रक है लखनऊ पब्लिशिंग हाउस, वो ये 37 कैंटोनमेंट रोड लखनऊ। अब हम इसके सूरत फुरकानी 25 में पहुंचते हैं, ये पृष्ठ 604 पर, पृष्ठ 604 पर और ये कुरान शरीफ सूरतुल फुरकानी, ये सूरत फुरकानी 25 इसका, यहां हम नीचे देखेंगे ये 52 नंबर आयत, इसमें लिखा है ये तो अरबी भाषा को एज इट इज देवनागरी लिपि में लिखा है, जैसे रोमन भाषा में अंग्रेजी में लिखा करें जी को, ये ऐसे लिखा है, फला तुतियल काफिरन व जाहिदों बी ही जिहादन कबीरन। अब इसमें कंसेप्ट कति क्लियर है, ये कबीर शब्द है, कबीरन जैसे संस्कृत में जैसे उत्तमम लिखते हैं, उत्तमम वो मैं हटा दिया जाता है लास्ट वाला, अलंत वाला उत्तम रह जाता है, तो ऐसे कबीरन यू कबीर शब्द है सीधा, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर करना पड़ेगा। ये पवित्र कुरान मजीद है, इसका नाम नाम बदल रखे, बाकी अक्षर का भी अंतर नहीं है, देखिएगा ये कुरान मजीद है, मुतरजम अरबी, ऑफिस प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली 6। हिंदी मुतरजम मां अरविंद मतन तजुर्मा यानी अनुवाद मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहेब जालंधरी, तो सही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहेब प्रकाशक फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली इतने से। मुद्रक है मोहम्मद, प्रस्तुत करता है मोहम्मद नासिर खान, ये सारी डिटेल दी है इनकी प्रकाशक। अब इसको दिखाते हैं, तो सिर्फ एक लाइन दिखाएंगे इसकी, ये है इसमें पृष्ठ नंबर 576 है और वही कुरान मजीद है, कुरान शरीफ को चाहे मजीद, ये सूरत फुरकानी सूरतुल फुरकानी 25 इसके उसी तरह नीचे, ये तो एजडिज पूरी उर्दू में अरबी भाषा को उर्दू भाषा में लिखा है।
और इससे फिर हिंदी में लिखा है, फला तुतियल काफिरन ने जाहिदों भी ही जिहादन कबीरा। अब कबीरा लिखो चे कबीरन लिखो, इसका अर्थ कबीर है, सीधी सी बात, ये कबीर है ये शब्द। अब हम फिर से उसी कुरान शरीफ, पवित्र कुरान शरीफ को प्रमाण में लेते हैं। ये हमने कुरान मजीद रख दी, उससे सिर्फ ये देखना था। अब हम फिर आगे उसी 604 पृष्ठ पे कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 के और पृष्ठ नंबर, ये इसमें उर्दू है वही, और इसको फिर पहले अरबी भाषा को हिंदी में लिखा है और फिर इसका अनुवाद हिंदी में किया है, वो अलग दिखाएंगे। ये है फला तुतियल काफिरन वे जाहिदों भी ही जिहादन कबीरन। इन्होंने यहाँ क्या किया, इसका अनुवाद यहाँ लिखा है हिंदी में। ये 52वीं आयत है, 51वीं यहाँ समाप्त होगी। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान शरीफ की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। अब इसका क्या अर्थ है ये दास बताएगा। हजरत मोहम्मद जी को जिस अल्लाह ने, गॉड ने, खुदा ने ज्ञान दिया, वो अल्लाह मुसलमान धर्म का अल्लाह है, यानी हजरत मोहम्मद जी का वो खुदा है। और इनका मानना है कि हजरत मोहम्मद जी को ज्ञान खुदा ने दिया, उसका कारण चाहे आकाशवाणी रहा हो या कोई फरिश्ते को आदेश दिया, उसने जो का चो सुनाया उस उनके अल्लाह का फरमान आदेश, और या कोई वह आई, वह बोले हैं जैसे हजरत मोहम्मद जी कपड़ा उड़ कर लेट जाते थे, उनके अंदर कोई चीज बोल रही थी, कोई फरिश्ता प्रवेश करके और सारा कांपने लग जाते थे, फिर आवाज़ आती थी, लिखने वाले लिख देते थे। इस प्रकार कुरान शरीफ की इन आयतों का यानी कुरान शरीफ का ये रिटर्न कार्य हुआ। अब इसमें क्या बताया है, हजरत मोहम्मद का जो खुदा है वो कह रहा है हजरत मोहम्मद को, जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, वो कह रहा है कि मैं तुझे जिस कबीर नामक अल्लाह के विषय में जानकारी दे रहा हूँ, ये वो परमात्मा है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है और जिसने 6 दिन में सब सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, ये कबीर नामक अल्लाह है और ये पाप नाशक है, ये अपने भक्तों के, अपने उपासकों के गुनाहों को भी खूब खबरदार है, खूब जानता है, उनको नाश कर सकता है। तो उसकी खबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो परमात्मा कबीर है, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। बाखबर माने तत्वदर्शी संत से, यानी वेल नोन, पूर्ण परिचित, परमात्मा का पूर्ण परिचित संत हो, उससे पूछो। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता उस परमात्मा के विषय में ज्ञान नहीं जानता, वो कहता है उस परमात्मा के बारे में किसी तत्वदर्शी संत से पूछ ले, और वो ही है जिसने सारी सृष्टि रची, सब मनुष्य जीवों की उत्पत्ति की और 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो कबीर अल्लाह है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता भी कंप्लीट ज्ञान नहीं रखता उस परम पिता के बारे में, उसने भी यही कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा के विषय में जानकारी कंप्लीट है जिसमें, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है वही श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दाता है, ये समझ लेना। अब आपको फिर दिखाते हैं, देखिएगा। अब हम यहाँ पढ़ रहे थे प्रश्न नंबर 604 पे, अब 605 पे पढ़ा, 605 पे ये अनुवाद पढ़ा इस अरबी भाषा की आयत का, आयत नंबर 52 का, 51 यहाँ खत्म होगी, ये 52 है, इस 52 का यहाँ अनुवाद किया है इन्होंने हिंदी में। अब कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कहता है, तो ए पैगंबर यानी ए हजरत मोहम्मद, तू काफिरों का कहा ना मानना, जो कबीर को परमात्मा नहीं मानते वह काफिर हैं,
वो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, बुतों की, जो ना उनको लाभ दे सकते ना हानि कर सकते। तो काफिरों का कहा ना मानना, और इस कुरान यानी इस से यानी कुरान की दलीलों से जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं से उनका बड़े जोर सामना जोर से करना। अब जिहाद माने झगड़ा नहीं है। अब उसका अर्थ क्या पुण्यात्मा, कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है कि जो कबीर नामक अल्लाह है वो पूर्ण परमात्मा है, समर्थ है, और ये जो काफिर हैं अन्य उपासना करते हैं ये उसको भगवान नहीं मानते, तू इनकी बात में मत आना और इनके साथ डटकर मुकाबला करना, झगड़ा नहीं करना, यानी इनकी बात नहीं मानना। सीधी सी बात है, वो कबीर परमात्मा के लिए तू संघर्ष करना। अब आगे देखो, इब आयत नंबर 52 का हमने सुन लिया, 53 का अनुवाद देखेंगे 607 पृष्ठ पे, इन्हीं का किया हुआ है। ये 53 भी आयत यहां शुरू होती है, और वो कबीर नामक अल्लाह जिसके विषय में चल रही है बात 52 में, तो वो उसके विषय में कहा कि और वही है, और वही है जिसने, वो कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी और कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। अब 54 नंबर आयत में क्या कहा, और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहेब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया, और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है, और काफिर अल्लाह के सिवाय ऐसों को पूजते हैं अन्य देवताओं को जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। इपुन आत्माओं, ये कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद का खुदा उसको बता रहा है, ये मुसलमानों का खुदा है जो पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, ये ध्यान रखना, जिसे निष्कर्ष निकलेगा देखना। अब 55 पढ़ ली, काफिर तो अपने परवरदिगार से मुंह मोड़े हुए हैं, अन्य उपासना को उपासना करते। अब 56 में, ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। और 57 में, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तार कर ले। अब 58 नंबर में, और ए पैगंबर, उस जिंदा इसका अर्थ कर दिया जिंदा का नचेतन्य, ये जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा कबीर जी मिले थे, वो उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वो अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से अर्थात पापों से वह काफी, इस इन्होंने ये कबीर का अर्थ यहाँ काफी कर दिया, यह लिखना था वह कबीर खबरदार है, वो खूब जानता है। ये 58 नंबर आयत है, यहाँ आ जाइए इधर 58 नंबर में, यु खबीरा शब्द लिखा है, ये वादा ही यु कबीर कहो से खबीर कहो, थोड़ा बोलने में फर्क हो, जैसे अपने लोकल भाषा में फर्क हो जाता है, जैसे पलवल साइड में लोकल व्यक्ति वहां के पलवल को परवर बोलते हैं, परवर, वो पलवल नहीं कहते, परवर, और दरिया को वो दरिया बोलते हैं, दरिया, रह को लय को रह बोलते हैं, तो है मतलब वही। तो ऐसे इस भाषा में थोड़ा बहुत अंतर होने से खबीरा लिख दिया, यू है कबीरा, कबीरा को चाहे खबीरा, एक ही बात देखना, ये बात ही कबीरा है। ये क्या लिखा है कि वा कफा बिही बिजुनुबी, इवाद ही खबीरा, इवाद ही माने पूजा के योग्य, पूजा करण जोगा, भक्ति करण योग जोगा, तो वो कबीर है, यानी इवाद ही, जैसे कहते हैं ना इवादत, इवादत माने पूजा, इवाद ही माने पूजनीय, वो खबीरा यानी कबीर परमात्मा है। और इसका अर्थ यहाँ किया है देखना,
इस 58 का यहाँ अर्थ किया है इन्होंने, ये 58वां है यहां से। ए पैगंबर उस जिंदा पे भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, उसकी पवित्रता, उसी की महिमा का गुणगान कर, और अपने बंदों के गुनाहों से वह कबीर, इसने कबीर का इन्होंने काफी कर दिया, खबीर का, काफी माने बहुत गणा बड़ा, वो खबरदार है, वो कबीर खूब खबरदार है, खूब जानता है। आत्माओं जैसे कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते, उनका नियम है, उनके गुण हैं, तो हमने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी आदि कितने भी धर्म बना लिए हों, लेकिन हम सब बच्चे तो उसी परमात्मा के हैं। अब जो भी जो दिखाई देता पिछला पुनकर्मी प्राणी है और इसने काल दुरुपयोग करेगा, जैसे ये राधा स्वामी वाली पुण्यात्मा अच्छी आत्मा के व्यक्ति थे, काल के कब्जे में आ गए, करोड़ों जीव बर्बाद करवा दिए, उनको परम धनी सिद्ध करके उनकी पूंजी कमाई का नाश करवा दिया, भक्तिहीन बना दिए, अज्ञ साधना ठीक थी नहीं, तो क्या बताता है कि परमात्मा कहते हम मोहम्मद के पास गए थे, हजरत मोहम्मद के पास, हम मोहम्मद को वहां ले गए ऊपर, इच्छा रूपी वहां नहीं रहे, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा पंग नमाज दे रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। फिर क्या बताते हैं कि मारी शब्द गऊ कह तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, कहते हैं जब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, मुई गऊ हमने तत्काल जवाई, तब मोहम्मद कह निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, तब मोहम्मद मोहम्मद का गया अंदेशा। परमात्मा कहते हैं कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल का आया, 180,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया, अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, अरस कुरस पर आसमान के आखिरी छोर पर परमात्मा का तकत है, और खालिक बिन नहीं खाली, उसकी नजर से उसकी दृष्टि से कोई जीव बचा नहीं है, भले ही वो कितनी दूर बैठा है, अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली हजरत मोहम्मद, और उसके 180,000 मुसलमान बने थे, कति सही खरे मुसलमान, वो शराब मांस तम्बाकू कभी छूते नहीं थे, ब्याज तक लेना भी अलाउड नहीं था, हजरत मोहम्मद के नियमों को पढ़कर देखो, तो क्या वो मांस खाते थे, ये तो बाद माँ के बिजली ग्रह, ये जीव के चठोरा ने काम बिगाड़ा। अब जैसे पवित्र हिंदू धर्म है मुसलमान धर्म का इसलिए विरोध करता था कि वो मांस खाते थे, अब हिंदू धर्म में बिजली गिर गई, और सिख धर्म में कोई मांस का कोई नामो निशान ग्रंथ साहिब में लिखा हो कि तभी मांस खा लो, शराब और मांस तो इनके लिए गाजर मूड़ी होगी। तो ऐसे समय आने पर उन पवित्र धर्मों में इन काल की प्रेरणा से ऐसे कुरीतियां शुरू हो जाती हैं, तो उस समय ये ऐसा नहीं था। तो यहाँ क्या बता रहा है कि उस हजरत मोहम्मद का खुदा यानी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता, अब क्या कह रहे हैं, हम फिर से उस चैप्टर पर आते, देखिए ये आयत नंबर 58 हम फिर से पढ़ेंगे। हे पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो, यो चैतन्य तो नाप लिख दिया अपने, अनुवाद कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो जिंदा महात्मा के रूप में तुझे मिला था, जो कभी मरने वाला नहीं है यानी अविनाशी है वो, और उसकी तारीफ के साथ पाकी बयान करो, उसकी पवित्रता की महिमा आप गुणगान करो, अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी यानी कबीर खबरदार है, वो खूब जानता है अपने बच्चों के उनके बुराई जो करते हैं। फिर अब 69 में कमाल कर दिया, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तकत पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, यह लिखना था वो अल्लाह कबीर है, अल्लाह कबीर बड़ा नहीं कबीर लिखना था, ये देखना ये 69 नंबर आयत है। अरहमानू फसल भी ही खबीरन, अरहमानू माने वो बड़ा रहमान दयालु है, खबीरन भी ही का अर्थ बड़ा होता है, और कबीरन माने वो कबीर है, या देखो ये लिखा है कि वो बड़ा रहमान है,
जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तकत पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर रहमान है, दयालु है, तो उसकी खबर किसी बाखबर यानी इल्म वाले से, तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। ये 59 नंबर आयत है। पुण्यात्मा, इन दोनों पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर, पवित्र बाइबल ने, पवित्र कुरान शरीफ ने रल मिलकर ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। दो धर्मों के सदग्रंथों ने तो सिद्ध कर दिया, अब अपने हिंदू धर्म के, पवित्र हिंदू धर्म के उन पवित्र सदग्रंथों में सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है। पवित्र वेदों में अब ऋग्वेद के 4-5 श्लोक हैं, कति कंसेप्ट क्लियर कर देंगे कि वो कबीर परमात्मा है और वो मनुष्य जैसा है, और वो ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में यानी धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, और उसका बंदी छोड़ नाम है कबीर बंदी छोड़, पाप नाशक है। अभी दिखाते हैं, देखिएगा, यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 कट्ठा ही अनुवाद है, और ये अनुवाद भी पुण्यात्मा, एक और कमाल की बात है, इस पवित्र ऋग्वेद के अनुवादकर्ता भी वही व्यक्ति है जो भगवान को निराकार मानते हैं, और अपने हाथ से परमात्मा ने इनकी कर कमल से लिखवा दिया, दाता ने आपके लिए रहम कराया और स्पष्ट करवा दिया। ये आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई, और महर्षि दयानंद के ही चेलों ने, और महर्षि दयानंद ने वेदों का अनुवाद कर रखा, और महर्षि दयानंद और उसके अनुयायी परमात्मा को निराकार मानते हैं, वो किसी अवतार को भी नहीं मानते। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? शाहिना गर्ग। शाहिना जी, कहाँ से आए हो आप? डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश। क्या करते हैं आप? मैं ग्रेजुएट हूँ, अब पढ़ाई कर रही हूँ, आगे MA कर रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जैसे रोजे रखना, नमाज पढ़ना, उस तरह से करती थी। तो मतलब मुझे परमात्मा की खोज थी कि परमात्मा कौन है, तो मैं उसी तरह से साधना करती, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं होता था उससे, मतलब उल्टा और दिक्कतें, परेशानियाँ रहती थी। किस प्रकार की समस्या थी आपको? मतलब भूत प्रेत की समस्या होने लग गई थी, किसी ने मतलब कर दिया था, जब दिखाने गए किसी को तांत्रिक के पास, तो उन्होंने कहा कि पीर वगैरह छोड़े हुए हैं, जैसे मुसलमान धर्म में होते हैं, मुसलमानी पीर छोड़ा हुआ है, तो सब देखने गए तो सब यही बोलते थे कि ठीक हो जाएंगे, मतलब जंतर वगैरह, धुनी वगैरह दे देते थे, तो ठीक नहीं हो पाती थी मैं, मतलब थोड़े टाइम ठीक होंगी फिर वही हाल हो जाती थी। फिर मैंने एक हिंदू धर्म में शादी की, तो हिंदू धर्म में शादी करने के बाद जो उस वहाँ पे जो परंपरा है, जिस तरह की देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी करती थी मैं, कि शायद यहीं पे परमात्मा मिल जाए, तो वहाँ पे भी कोई लाभ नहीं होता। 3-4 महीने थोड़ा ठीक रही, उसके बाद फिर वही दिक्कत होने लग गई, उसी मुसलमानी पीर जो लगाया हुआ था वो दिक्कत होने लग गई। तो मेरे ससुर मुझे दिखाने ले जाते थे कभी तांत्रिक के पास, पंडितों के पास, तो सब यही कहते थे कि ये ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, फिर वो दे देते जंतर वगैरह दे देते, फिर थोड़े टाइम में वो ख़राब हो जाते थे, फिर करते थे फिर और करवाना पड़ेगा, फिर से जंतर लगवाना पड़ेगा, फिर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था सब कुछ, मतलब दिक्कतें इतनी, पर मैं मेंटली परेशान बहुत हो गई थी, घर से भाग जाती थी, मतलब मुझे बहुत दूर से पकड़ के भी लेके आते थे घर वाले कि पता नहीं कहाँ चली जाती है, बहुत दिक्कत, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी फिर हमारी। फिर उसके बाद हमारे रिलेशन में ही है शिमला में, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई है पहले से, तो हम उनके पास गए कि इस तरीके से प्रॉब्लम होती है तो अब क्या करें। फिर उन्होंने कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे। फिर हमें कुछ अजीब सा लगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, जैसे हम अब अपने तरीके से करते थे साधनाएं, तो हमें कुछ ठीक नहीं लगता था। फिर हम फिर घर चले गए, उन्होंने हमें किताब दी, ज्ञान गंगा पुस्तक दी, तो हम उसे लेके घर चले गए। 3-4 महीने वो किताब वैसे ही रही, हमने पढ़ी भी नहीं। फिर मतलब वो भूत प्रेत इतना परेशान करने लग जाता था, तांत्रिक घर पे आए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ है,
कि जो इस लड़की को परेशान कर रहा है पीछे से ही है, मतलब माइके से ही पीछे से ही है, किसी ने किया हुआ। तो हमने वो पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी, मतलब जब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगी फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि कुछ तो इस किताब में होगा कि हम देख तो ले एक बार। फिर हमने उसको पढ़ा, फिर पढ़ने के बाद फिर हम इतना नहीं, मतलब कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हम फिर अपने उन्हीं के रिलेशन में जो है उनके पास गए, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, उनके पास गए। फिर उन्होंने कहा बेटा आप ये सब कुछ छोड़ो, देवी देवता कुछ इससे आगे कर्म को नहीं काट सकते, वो उतना ही दे सकते हैं जितना हमारे कर्मों में लिखा है। फिर उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने बोला कि कर्म में जो लिखा है वही होगा। फिर हमने कहा कि ठीक है, जब बहुत ही दिक्कत होने लगी फिर हमने बोला कि एक बार जाके देखते आश्रम में, बरवाल आश्रम में। हमने जून 2014 में नाम दीक्षा ली गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से। बहन जी आपने बताया कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़ी तो आपको बहुत अजीब लगा, ऐसा क्या लिखा था उस पुस्तक के अंदर? उसमें देवी देवताओं को जैसे कि उनके अपने मूल मंत्र हैं उनको ऐसे पूजा नहीं करना, जैसे धूप देते हम या कहीं व्रत करते हैं, वो चीज़ उसमें सब कुछ मना थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पंडित क्या हमें गलत बताते थे। तो फिर मैं क्या एक बार देखते हैं जाके, जब हम पंडितों का मान सकते हैं तो संत रामपाल जी की महाराज जी के शरण में जाके एक बार देखते हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या कुछ लाभ भी मिला? बहुत लाभ मिले, मुझे तो बहुत ही लाभ मिले। मैं जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गई, वहाँ पे लाइन लगी होती है आशीर्वाद के लिए, आशीर्वाद देते हैं, तो उन्होंने जैसे आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रखा, उन्होंने कहा ठीक सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ इतना ही कहा सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने सिर पे हाथ रखा तो ऐसा लगा कि हमारे मन से पता नहीं कितना बड़ा बोझ उतर गया, पता नहीं कितना ही बोझ था हमारे सिर पे जो उतर गया। फिर मतलब सब कुछ ठीक हो गया हमारा, हम घर आए, हमने जोत जलाई, सब कुछ किया, फिर उसके बाद हमारा सब कुछ ठीक हो गया, मतलब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं रही। मतलब जो मेरे को भूत प्रेत की बाधा थी वो भी चली गई, 3 सालों से हम दिखा रहे थे कहीं भी ठीक नहीं हो रही थी वो भूत प्रेत की जो बाधा थी। पंडितों ने तो यहाँ तक ऐसा बोल दिया था कि इन दोनों की तो बनेगी नहीं, हस्बैंड वाइफ की बनेगी नहीं, इसको घर वापस भेज दो, ये जहाँ से ये आई है इसको वापस भेज दो। लेकिन हमने हार ही नहीं मानी, मेरे तलाक तक के पेपर रेडी हो गए थे, मेरे फादर ने तलाक के पेपर रेडी कर दिए थे कि 2 दिन बाद पेपर आ जाएंगे और आप तैयार रहना भी, पर हमने हार ही नहीं मानी। हम फिर संत रामपाल जी की शरण में चले गए, हमने कहा कि अब जब इतने के पास गए तो उनके पास जाके भी देखते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका जो तलाक होना था क्या वो हुआ? नहीं जी, आज हमारी शादी को 5 साल 6 साल हो गए हैं, तो वो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से वो बला ही टल गई सारी। और क्या क्या लाभ हुए? और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं होती थी, उनकी जॉब पहले पानीपत में लगी, कॉन्ट्रैक्ट पे लगे थे 2-2.5 साल तक रहे, आज वो परमानेंट जॉब पे करनाल में लगे हैं। बहन जी जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है, उनकी बीमारियां ठीक हो जाती है, क्या संत रामपाल जी महाराज जी कोई क्रियाकर्म करने के लिए बोलते हैं या कोई जड़ी बूटी देते हैं या कोई दवाई देते हैं, क्या कारण है? ना ही वो कोई जड़ी बूटी देते हैं, ना ही वो कोई झाड़ा लगाते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ जो हमारे शास्त्रों में जो साधना लिखी गई है उसे वो सही तरीके से हमें बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है आप सही साधना करिए। देवी देवताओं को पूजना नहीं है, वो आदर के योग्य हैं, उन्हें आदर देना है, उन्हें सम्मान करना है, उनके मूल मंत्र हैं जो हमारे गीता जी में लिखे हैं। लेकिन हमारे पंडित जो है वो शास्त्रों के विरुद्ध ही साधना करवा रहे हैं, उन्होंने अर्थों के अनर्थ कर रखे हैं, वो बिल्कुल भी मतलब ऐसे कि अनजान आदमी होता है जैसे अनजान बच्चा होता है उस तरह से वो काम कर रहे हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहूंगी कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए, पूर्ण मोक्ष उन्हीं से मिलेगा, वही शास्त्रों के अनुसार सही साधना बता रहे हैं जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।